आरा में शराब बेचने का विरोध व पूर्व के आपसी रंजिश में कोरी पंचायत के वर्तमान मुखिया संजय चौधरी और पूर्व मुखिया रामेश्वर पासवान और बम पासवान के परिवार के बीच जमकर हिंसक झड़प हुआ, जहां एक पक्ष की ओर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कोरी पंचायत के पूर्व मुखिया रामेश्वर पासवान और बम पासवान के 25 वर्षीय पुत्र हरेश पासवान उर्फ छोटू पासवान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना संदेश थाना क्षेत्र के कोरी गांव के देर शाम की बताई जा रही है, जबकि इस दौरान हिंसक झड़प में कोरी पंचायत के वर्तमान मुखिया संजय चौधरी के सर में काफी गंभीर चोट लगी है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए आरा शहर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वहीं इस खूनी वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां घटना की सूचना मिलते ही संदेश थाना और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच मामले की छानबीन के साथ स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई है। इधर गोली लगने से मृत युवक हरेश पासवान उर्फ छोटू पासवान के पिता व कोरी पंचायत के पूर्व मुखिया रामेश्वर पासवान ने बताया कि वर्तमान मुखिया संजय चौधरी और उसका भाई बड़े पैमाने पर शराब का अवैध धंधा करते हैं, जिसकी सूचना हम लोगों के द्वारा लगातार संदेश थाना को दी जा रही थी। इस वजह से ही मेरे बेटे की हत्या वर्तमान मुखिया और उसके भाई के द्वारा आज रात कर दी गई, जब मेरा छोटा बेटा हरेश पासवान और छोटू पासवान अपने दादा का खाना लेकर द्वार पर जा रहा था, तभी घर पर चढ़कर वर्तमान मुखिया संजय चौधरी और उसके भाई अजय चौधरी ने मेरे बेटे को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिससे उसके सीने में गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हिंसक झड़प में घायल वर्तमान मुखिया संजय चौधरी के परिजनों को माने तो मुखिया जी परिवार के साथ झगड़ा होने की जानकारी मिलते ही समझाने बुझाने के लिए वहां गए थे, तब तक कुछ लोगों के द्वारा इन पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। सब परिवार था राज्य में एक पहले था बरोबर हम प्रभारी महोदय से कहते थे कि देखिए सर चुनाव तो जीत गया दारू से सप्लायर है छोटा भाई दारू से सप्लायर कुल डाल संजय कुंडे हैं संजय नाम मुख्य भाई अजय चौधरी जो दारू को बड़ा जेल दिया गया था कारोबार करता तो लड़का है रंजन रंजन था वहाँ के जी सब हाँ दीपक था रंजन था पूरे परिवार का जी विनोद था सब बाल बच्चा जी जी वो मुस्लिम मुसलमान मुस्लिम बंदर का लड़का था नाम पता है राजू नाम राजू बताइए कैसे घटना हुआ, क्या विवाद चल रहा था? विवाद चल रहा था किसको छोड़ दीजिए हाँ छोड़ दीजिए विवाद चल रहा था वो लंबे समय से पहले भी दारू के सप्लायर था इंग्लिश हिंदी का कौन संजय चौधरी वर्तमान मुखिया है और उसका भाई जो है अजय चौधरी वर्तमान में वही सप्लायर है और उसका बेटा जो है रंजन नाम है संजय चौधरी का लड़का वो इंग्लिश में था और थाना प्रभारी से बार बार ही हम कहते थे कि महोदय कम से कम पद प्रतिष्ठा मिला तो यहाँ बेचने वाला गरीब परिवार के चाहे पीने वाला के धर पकड़ कर हैं जो बड़का सप्लायर है उस पर आप लोग नकेल क्यों नहीं कसते हैं, उसको पद प्रतिष्ठा मिला तो कम से कम उसको कह दीजिए कि अपना परिवार तो, के नियंत्रण तो आप लोग को क्यों मारा, आपको आपके परिवार का टारगेट क्यों किया? इसीलिए यही मन नशा में बरोबर रहता था आज के 15-20 वर्ष पहले हम शिकायत करते थे अच्छा, तो, उसके खिलाफ आप आवाज उठाते हाँ दारू के खिलाफ करते थे 15-20 रोज पहले उसका लड़का जो रंजन है वो नशा के चूर हालात में गाली दे रहा था तो बुलाओ बुलाओ फरी आ जाई गाड़ी देते रहे ना ना 10 रोज पहले आज क्या हुआ बताइए वही वही सब वही हालात प्लानिंग के तहत कौन कौन घर पे चढ़ा था
घर पर संजय चौधरी था, अजय चौधरी था, उसका भाई दीपक था। चुनाव को लेकर के भी कुछ विवाद था क्या? चुनाव के हमारा उससे कोनो नहीं था, चुनाव में तो बहुत सारे लोग लड़े थे। कितना राउंड फायरिंग किया होगा? 10 राउंड के लगभग फायरिंग हुआ है। जब मिता पसल जब लड़का गिर गया दरवाजे पर, उसका घर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा। हमारे दरवाजे पर आ गया सब, हम लोग नहीं जानते थे कि मैंने ये सब करेगा लोग। तो गोलीबारी की घटना कौन किया, कौन गोली मारा है? संजय चौधरी, अजय चौधरी जो वर्तमान मुखिया है और उनके भाई के लोग जो है वो बता रहे हैं कि पूर्व में भी आप लोगों का जब चुनाव हुआ उसके बाद विवाद चल रहा था। ना वैसा तो कुछ नहीं था, न मैंने चुनाव लड़ता है, लोग सब लोग लड़ता है, हार जीत मैंने मुख्य कारण ये शराब बेचने का विरोध। शराब बेचने का हम विरोध करते थे हमेशा। थाना प्रभारी से कहे कि महोदय हम लोग सब आदमी हैं, चुनाव जीत गया तो कह दीजिए 5 साल अच्छा से चलाने के लिए। उसका बेटा भाई थी, आप किस पे आरोप लगा रहे हैं संजय? किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? संजय अजय गोली मारा है, आरोपी तो सब परिवार में है। अच्छा, मैंने गोली वही दोनों मारा है। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम हुआ रामेश्वर पासवान। पूर्व मुखिया है? पूर्व मुखिया। सर, गोली लगा मामला आया था और एक मुखिया को भी चोट लगने की बात आई है, क्या मामला है? इससे पहले तो एक आधा घंटा पहले पूर्व मुखिया के सुपुत्र थे जिनको गोली लगी थी, उनको ब्रॉड डेड आए थे। और अभी जो वर्तमान मुखिया है उनके सर में काफ़ी चोट लगी है, तो हम लोग उसका स्टिचिंग वगैरह कर दिए, ब्लीडिंग बंद हो गई है, वो स्टेबल है। एक पेशेंट ब्रॉड डेड आया है, गन शॉट, इनको गोली नहीं लगी। ये कहाँ का मामला है? संदेश थाना में कोई कोरी एक पंचायत है। अच्छा, मैंने दोनों मुखिया के ही परिवार है लोग? हाँ, एक तो निर्वर्तमान अभी प्रेजेंट मुखिया है, वो पहले मुखिया था, पास्ट। तो जो पास्ट जो मुखिया थे उन्हीं के लड़के? बेटा मर गया। हाँ, उनका वो प्रॉब्लम। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर विकास सर। किसके साथ झगड़ा हुआ था जी? झगड़ा किसके साथ? मुखिया थे। अच्छा, वहाँ के और इनके परिवार के बीच जी। तो आरोप, उन लोगों का आरोप है जिनकी हत्या हुई है जी। उनका आरोप है कि मुखिया जी के जो लड़का है वही लोग मारा है लोगों ने। अच्छा, तो इनको कैसे चोट लगी है? इनका चोट सब एक गए हैं समझाने के लिए। हाँ। इनको लोग मारे। कौन मारा है? मुखिया के आदमी। कौन? जो पूर्व मुखिया के आदमी। क्या नाम है उनका? पूर्व मुखिया का बम। अच्छा, वो मारे हैं जी। अच्छा, किस चीज का विवाद है? कुछ नहीं मालूम। नहीं सर, विवाद के बारे में। आप उनका हत्या किया है, वो लोग दूसरे पक्ष के लोग हैं जी? जो हत्या किया है लोग जी, वो लोग दूसरे पक्ष के हैं कि इन्हीं के पक्ष के लोग हैं? नहीं, दूसरा पक्ष के। लेकिन आरोप तो इन्हीं के बेटे पर लग रहा है। नहीं सर, गलत बात है। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। आप कौन हुए मुखिया जी के? मुखिया जी करीबी, हम लोग साथ में रहते। गाँव आपका वही है जी? सुशासन बाबू की सरकार, हम छुपा छुपी स्पष्टि में नहीं करना चाहते, लेकिन रोज एक न एक लोगों की हत्या होती है और सरकार इसके कुछ नहीं कर रही। कितने लोगों के द्वारा गोली मारी गई? विशेष बताएंगे बात नहीं, परिवार डिस्टर्ब है, परिवारों से जानकारी लेने के बाद। कितने लोगों को गोली लगी है? विशेष